वेलकम टू अकील फैशन डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 6 साल से लेकर के 7 साल के बच्चे का कुर्ता कैसे कटिंग करें। तो हम आपको 6 साल से लेकर 7 साल के बच्चे का कुर्ता कटिंग करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए पूरी वीडियो देखना, प्लीज़ कट करके ना देखें मेरी वीडियो को। ये देखिए मेजरमेंट है इसका, 28 इंच कुर्ते की लंबाई फ्रेंड्स, 11.5 इंच तीरा है इसका, और इसकी 24 इंच चेस्ट है, 17 इंच बाजू है और 8 इंच मोहरी है। कप नहीं है इसकी मोहरी में, गोल मोहरी है इसकी फ्रेंड्स। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमारा कपड़ा है, और सॉरी मैंने आप कुछ नाप में मिस्टेक हो गई थी, 16 इंच घेर है इसका। ये देखिए तो 16 का हाफ इंच 8 होता है, 16 का हाफ 8 इंच होता है, तो हम 9 इंच कपड़ा मोड़ेंगे। ये देखिए ये किनारे से लेकर के हम ये 9 इंच का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए वहाँ किनारे से लेकर ये देखिए 9 इंच का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। अब ये 28 इंच लंबा कुर्ता है, तो हम 28-29 इंच के पास जाके यहाँ भी आके ये देखें आप, यहाँ भी आप 9 इंच का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। जितना घेर होता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखते हैं कुर्ते में, तो 16 इंच घेर है, अब 9 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि 16 का हाफ 8 इंच होता है, 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 9 इंच हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से आप पकड़ेंगे दोनों जगह से, और इस तरीके से आप कपड़े को बिछा देंगे यहाँ पर, ये सेंटर क्रीज बना देंगे इसकी। अगर आपके पास प्रेस है तो आप प्रेस लगा करके इसकी क्रीज बना दें, कपड़ा साफ कर लें। ये देखिए 28 इंच इसकी लेंथ है, तो हम 29 इंच का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। 1/25 भी लगा दें आप, 1 इंच से कम ना लगाएं, 1 से लेकर 1/25 इंच तक का एक्स्ट्रा निशान लगा दें आप। ये देखिए ये 6 इंच मुड्डे का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स हम, और ये ऊपर से 11 इंच है, और ये नीचे से हम 13 इंच का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ से इसके चाक खुलेंगे इस कुर्ते के फ्रेंड्स। अगर ये देखिए ऊपर से 16 इंच आ रहा है, आप ऊपर से चाहें तो 16 इंच का भी लगा सकते हैं। इन मार्क को हम सीधा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये हम पट्टी की मदद से सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो ये देखिए हम जो कॉलर चढ़ाते हैं यहाँ से, हम उसका हाला बोलते हैं जो, हम उसको हम 2 इंच का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। ये देखिए अब इसका 11.5 इंच तीरा है, तो 11.5 का हाफ इंच 1/4 इंच होता है, तो हम 1/25 इंच का निशान लगाएंगे, 1/2 इंच हमारा मार्जिन सिलाई में चला जाएगा, तो ये 1/25 इंच का निशान लगाएंगे हम। अब ये देखिए 24 इंच का सीना, 24 इंच है इसका, तो 24 के 1/4 भाग 6 इंच होता है फ्रेंड्स, तो हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। सीने का 4 भाग कर लेंगे हम, 1/4 भाग, उसके बाद ही हम 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए 1.5 इंच की लूजिंग देंगे हम। ये देखिए तो ये हमने 6 इंच, अब उसके बाद टोटल 7.5 इंच हो जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए अब ये टोटल 7.5 इंच हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर ऊपर 7.5 था, तो यहाँ पर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे, 1/2 इंच कम कर देंगे वहाँ से फ्रेंड्स। उसके बाद अब हमने वहाँ ऊपर 7.5 लगाया था, तो अब यहाँ पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे, जितना सीने के पास निशान होता है टोटल उसके 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ वहाँ 8 7.5 था, तो यहाँ पर हम 8 इंच रखेंगे, तो 16 इंच घेर। अब यहाँ पर 16 घेर है, तो हमने ये 8.5 में निशान लगा रहे हैं। ये देखिए तो हमारा ये तैयार घेर जो है 16 इंच आएगा। उसके बाद ये देखिए ये हम 1.5 इंच कंधी डाउन कर देंगे इसकी। अब ये देखिए ये वाला नीचे वाला ने, वो हमने 2 का लगाया था, ये हम 1/2 इंच का निशान लगा देंगे, यहाँ से हमारा कॉलर चढ़ेगा, करीब 12 12.5 इंच कॉलर तैयार रख दें आप। ये बैन पट्टी होती है, पतला वाला कॉलर लगाऊंगा मैं यहाँ पर। अब ये देखिए सीधा निशान आता है तीरे का, थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे 1/2 इंच, अपनी साइड को तिरछा कर देंगे ये वाला निशान। अब ये देखिए कंधी डाउन की थी हमने, उसका हम मार्क कर देते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखिए सेब फंटी की मदद से हम ये तिरछा ये मार्क कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए कमर वाले निशान को हम घेर वाले निशान से मिला देंगे सीधी फट्टी से फ्रेंड्स। लोग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ये देखिए आप गुलाई अच्छी तरीके से दे देंगे, ये देखें फ्रेंड्स, ये देखिए ये भी गुलाई दे देंगे
फ्रेंड्स मैं लेडी जेंट्स की कटिंग और स्टिचिंग लेकर के आता हूँ आपके लिए, और डिज़ाइन के गले भी बताता हूँ आपको मैं, और अच्छे अच्छे अभी स्पेशल डिज़ाइन लेके आने वाला हूँ आपके लिए मैं। फ़िलहाल अभी आप कुर्ते की कटिंग पे ध्यान दें। ये देखिए हम इसको कट कर लेते हैं, ये हमारा फ्रंट, ये देखिए फ्रंट कट के तैयार हो गया है, हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है हमारा। अब ये देखिए हम बैक पार्ट काटेंगे, बैक पल्ला हम काटेंगे, ये भी हम किनारे से हम 9 इंच का निशान लगाएंगे जितना हमने पहले वाले में लगाया था। ये देखिए ये भी 9 इंच का लगाएंगे हम। फ्रेंड्स लोग आप लोगों की मुझे बहुत हेल्प चाहिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को प्लीज़। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अच्छा ना लगे तो आप ना करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करें मेरे वीडियो को। आप लोगों की बहुत हेल्प चाहिए फ्रेंड्स मुझे, आपके हेल्प के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपके ज़रिए ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, सिर्फ आप लोगों की बहुत मदद चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए अब यहाँ से हम ये बैक एक्स्ट्रा काटेंगे, यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे कंधे के पास से, और 1.5 इंच यहाँ भी रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, देखते रहें आप ध्यान से। उसके बाद ये देखें हम इसको हम मार्क सीधा कर लेते हैं इसका फ्रेंड्स, ये देखें ध्यान से आप। उसके बाद जितना हमने तीरा लगाया था 1.25 इंच का, तो यहाँ भी 1.25 इंच का निशान लगाएंगे तीरे का, ये देखिए। उसके बाद आप ध्यान से देखें ये जो हमने हाला काटा था इसका, ये देखिए इससे थोड़ा सा आप बाहर को काटें, ये देखें थोड़ा सा 2 सूत बाहर को कर दें इसको निशान को, उसकी सीज से थोड़ा सा, और यहाँ पर आप 1 इंच रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। ये हम बैक की कंधी है, ये बैक का हाला है, ये जहाँ से कॉलर चढ़ाएंगे हम, पतला वाला कॉलर है जो स्टोन बोलते हैं इसको, बैन पट्टी बोलते हैं इसको, वो कॉलर लगाएंगे, करीब हम 12.5 इंच कॉलर लगाएंगे इसमें। ये देखिए ये हम सीधा कर लेते हैं इस मार्क को। उसके बाद ये भी गुलाई हम एक्स्ट्रा करके दे देंगे, करीब 1/2 इंच एक्स्ट्रा काट दें बाहर को। अभी हम कट कर लेते हैं इसको फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताएं, किसी भी चीज़ की आपको कटिंग या स्टिचिंग या चाहिए, या किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको उसके लिए उसकी वीडियो आपके लिए ले करके आऊँगा मैं। ये देखिए हमारा फ्रंट बैक कट करके तैयार हो गया है। अब ये देखिए ये हमारा ये निशान जो लगाया था हमने, जहाँ से चाक चाक ओपन होंगे हमारे, ये हम कट लगा देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमने कट लगा दिया है यहाँ पर, ये देखिए। अब हम कली की जेब लगाएंगे, जो साइड से साइड जेब होती है, साइड पॉकेट हमारी, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर के लिए रखेंगे हम यहाँ से, ये देखें फ्रेंड्स। और उसके बाद ये देखिए 4.5 इंच का हम निशान लगाएंगे, ये हमारा 4.5 इंच का जेब जेब का मुंह खुल जाएगा यहाँ से, ये देखिए। पहले 1.5 इंच का लगाया था, उसके बाद 4.5 इंच का लगाया फ्रेंड्स। आप चाहें तो 5 इंच का भी लगा सकते हैं, 5 इंच का भी पॉकेट का मुँह रख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा पॉकेट बन जाएगा यहाँ से, साइड पॉकेट के बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया है कट करके। अब हम फ्रेंड्स आपको कली की जेब काट करके दिखाएंगे, ये देखिए करीब 15 इंच हम लंबाई में कपड़ा काट लेंगे फ्रेंड्स, ये देखें। उसके बाद ये देखिए करीब 5 इंच चौड़ा काटेंगे हम, ये देखिए ये करीब 5 इंच चौड़ा है ये, अब इसको हम फट्टी की मदद से सीधे मार्क कर लेंगे, ये हम कली की जेब काट करके दिखा रहे हैं आपको। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। अब ये देखें आप, ये देखिए कुछ लोग गोल करते हैं, यहाँ मैं कट लगाऊंगा तिरछा करके, ये हम तिरछा कटिंग कर देते हैं, करीब 1.5 2 इंच नीचे को तिरछा कर देते हैं। अब ये देखिए हम ऊपर से नापेंगे, 4.5 इंच जेब का मुँह है तो हम 5.5 इंच ऊपर से निशान लगा देंगे, ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे यहाँ पर हम, वहाँ 4.5 हमने जेब का मुँह रखा था, वहाँ 5.5 का निशान लगाया हमने यहाँ पर, ये कट लगा देंगे, हमारी कली की जेब कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अभी देखिए हम बाजू काट करके दिखाएंगे, बाजू तो आपको याद होगा हमने नाप बताया था आपको, तो बाजू की लंबाई 17 इंच है, तो हम करीब 19.5 इंच कपड़ा काट लेंगे, आप 19 भी चलेगा यहाँ पर, 19 इंच भी लंबा ले सकते हैं, ये देखें सेंटर क्रीज कर लें इसकी। अभी देखिए करीब 7 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम, ये देखिए 7 इंच का मार्क करेंगे हम। उसके बाद ये 17.5 का निशान लगाएंगे यहाँ पर, 1/2 इंच हमारा दबाव के मुड्ढे में, मुड्ढे के दबाव में चला जाएगा, 17 इंच तैयार। अभी देखिए 8 इंच मोरी, तो 8 का आधा 4 इंच का निशान लगा दिया हमने यहाँ पर। मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट इसलिए कर दी कि आप मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको प्रॉब्लम ना आए, ये देखिए। उसके बाद ये यहाँ से हम 2 इंच लगाएंगे, यहाँ से हम
गुलाई देंगे, मुंडे के आर्म होल की गुलाई देंगे, ये देखें इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें, ये देखिए अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर देंगे यहाँ पर, एक पैर का जो दबाव लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा करके काटेंगे यहाँ पर, हम आधा थोड़ा सा बढ़ा देंगे, आधा पौन इंच एक्स्ट्रा काट लेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। अब ये देखिए ये ऊपर का हमारा करीब 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो 1 इंच भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा। अब ये ऊपर वाले आप दो पल्ले उठा लेंगे फ्रेंड्स, ये देखें ये हमने ये चार पल्ले हैं दोनों बाजू कटराएं के साथ, ये देखिए दो को लेकर ये हम थोड़ा सा अंदर के लिए गुलाई दे देंगे, ये देखिए हमने कट कर दिया है। अब ये हम कट लगा देंगे बीच का, कुटका लग गया हमारा फ्रेंड्स, हमारे बाजू कट करके तैयार हो गए हैं।